लॉजिकल सहायता आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। अरे रुको, यहाँ कोई है ही नहीं, मदद आने वाली है। मुझे क्यों छोड़ दिया? सब कुछ मेरी सोच से भी बुरा है। अगला स्टेप मिठाई थेरेपी। इधर आ। ये लो। अब मेकअप का टाइम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भी करो, तुम्हारा ब्रेकअप एक साल पहले हुआ था। नहीं, बस अब मत बोलो। ब्रेकअप? बस बहुत हुआ, उठो चलो अब यहाँ से। कहाँ? एक ऐसा शो जहाँ तुम्हें परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिलेगा। तो चुप ही हो जाओ। हाँ क्या? चिल्लाना बंद करो। हेलो, ये लोकल वार्म अप है। मुझे लोगों की तरह गाना गाने की प्रैक्टिस करना है। तुम क्या चुप नहीं हो सकती? पूरा शहर तुम्हें सुन रहा है। छोड़ो और मजे करो, एक ही तो स्टार है यहाँ पर, सिंडी द स्टार। क्या? मेरे गांव की मुर्गियाँ भी इतना गंदा नहीं गाती जितना कि तुम गाती हो। गाँव में रहती हो? घटिया। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे तो कम से कम बॉयफ्रेंड मिलेगा, तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं ही लूजर हूँ। सॉरी, मैंने सुना नहीं। कौन? तुम सब बहुत गंदे हो। तू ही है यहाँ पे जो सबसे बड़ी गंदी है। हाँ तो खुद को देखा है कभी? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम एक नंबर की सस्ती और कास्टिंग 5 मिनट में शुरू होगी। या मैं तो तैयार हूँ। 5 मिनट? सिंडी द स्टार भी वेट करेगी? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे खाना भी तो खाना है। अरे सिर्फ 5 मिनट है, थोड़ा रुको। शायद मुझे इस शो के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। छोड़ो, मैंने एक साल से किसी को डेट नहीं किया, अब बदलने का समय आ गया है। देखते हैं मेरे लिए कौन सी लड़की चुनी हुई है। ओ जैक, ये तू है। अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? काम तेरा पिताजी करेंगे। मैं वो बस देखना चाहता था कि तूने मेरे लिए कौन सी लड़की चुनी है। मुझसे फर्क क्या पड़ता है, कोई भी चुन लो यार। तुझे करना तो बस डांस ही है ना, तो कर जाके। जैक, हम ऑलमोस्ट तैयार हैं। अच्छा लाओ दिखाओ मुझे, सब कुछ मैच तो हो रहा है ना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कोई भी टेलर से मैच नहीं करती, सब थोड़ी अजीब है। अच्छा तो मुझे लगता है कि इस बार तो बहुत ही मजा आने वाला है, आग लगा देंगे स्टेज पे सब। हाँ सही कहा, तुमने सब कुछ सोच लिया है जैसे हमेशा होता है। बस कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। ओ एक सेकेंड। अच्छा तो ये लो, थोड़ी कॉफी पी लो। काफी बढ़िया कॉफी है। एस्प्रेसो विद कैरेमल, सिनेमन और 3 चीनी की क्यूब के साथ, बिल्कुल जैसे तुम्हें पसंद है। मुझे तो ऐसा कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। वो मुझे बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता। ठीक है केसी, शांत हो जाओ, जैक बस थोड़ा काम में व्यस्त है, और तू भी काम में लग जा। अरे चलो। नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। मैं कह रही हूँ ना, ये तुम्हारे खुद के भले के लिए जरूरी है, अब चलो ना। अरे सब लड़कियाँ यहाँ पहले से ही हैं। रुको, तो क्या हुआ? तुम ये कर सकती हो। तू कौन है बे? एक और मिसफिट, इस शो में वो प्यार ढूंढने आई है। क्या कहा तुमने? नहीं 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 नहीं, जब तक मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं मिल जाता, मैं यहाँ परफॉर्म नहीं करूँगी। यहाँ सिर्फ मेरी फ्रेंड कास्ट होगी। हाय।
और तुम में क्या खास बात है? खास? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ पॉपुलर सिंगर, फेमस इंडी स्टार। सही कहा, फेमस है पर वो मैं हूँ यहाँ। ठीक है, कहाँ? यहाँ से दूर, मुझे पक्का नहीं चुनेंगे। अरे क्यों ऐसा सोचती हो? तुम इन लड़कियों को देखो, ये सब कितनी कूल है और मैं साधारण दिखती हूँ। ये लड़कियाँ कूल? हेलो, वो वहाँ एक कागज का क्राउन पहने बैठी हुई है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। शुक्रिया कोशिश करने के लिए, बाय। एरियल, हे भगवान। लड़कियों ध्यान दो, सिंडी को पहले डेट पे जाने का मौका मिला है। ये, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक सुपरस्टार हूँ जो कि डेट पर जा रही है। बाय। दुआ करो कि ये बंदे उसे तुरंत रिजेक्ट कर दे, वो तो जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा। हमें कैसे भी जल्दी करना होगा। ऑलमोस्ट तैयार है। नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। मगर क्यों? तुमने कहा था कि तुम तैयार हो। क्या तुम पागल हो गए हो? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। चुप हो जाओ जैक, फिकर मत करो, गहरी सांस लो, सब ठीक होगा। ठीक तो होना ही होगा, हमारे पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है टाइलर, चलो, कोई भी लड़की अभी आएगी, नेचुरल बिहेव करो। ओके, कहना आसान है। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ओ हाय। हाय, तुम क्या कर रही हो? ओ अजीब। वैसे मैं टाइलर हूँ। ये तो सच में मेरा क्रश निकला, पता होता तो नहीं आती। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें इतना भी नहीं पता मैं एक स्टार हूँ? कम ऑन, तुमने मेरे गाने तो सुने ही होंगे। नहीं है, सच में? ये तो बढ़िया हो गया है, ये बंदा आया कहाँ से? मेरे गाने तक नहीं सुने उसने। ये फ्रेश नहीं लग रहा, सिंडी स्टार फ्रेश जूस पीती है। सॉरी, दूसरी डेट पर तैयार होके आऊंगा। हाँ हाँ, सेम लगता है। दूसरी डेट? कोई चांस ही नहीं, पहली ही बर्बाद कर दी उसने। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, दूसरी डेट नहीं होगी। क्या तुम्हें पेस्ट्री चाहिए? वैसे नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, वैसे मैं हर किसी को इतनी इज्जत देती नहीं हूँ। ठीक है, मैं हूँ सुपरस्टार, फेमस सिंडी, मैं बेमिसाल गाती हूँ। सॉरी पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम मत गाओ, मेरे कानों से खून आ रहा है। क्या? तुम बेवकूफ हो, तुम्हें म्यूजिक का कोई टेस्ट नहीं है। मैं भूल गई थी, बेवकूफ लोगों को म्यूजिक के बारे में भला क्या ही पता। बस यही दुआ करता हूँ कि अगली डेट अच्छी होगी। क्या बेवकूफ लड़का था, ऐसे लोग ही लोग भेजते क्यों है मेरे पास? और ये मेरा क्रश है तो मैं भी इंग्लैंड की क्वीन हूँ, क्वीन। मैं क्या दुकान पे बिकने वाली चुड़ैल लगती हूँ क्या? क्यों ग्वेन? क्या बोला तुमने? क्या तुम मुझे कह रही हो? हाँ है, तुम कितनी अजीब हो। क्या कहा? कैमरा बंद करो। मैंने कहा कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा। अरे बदतमीज, छोड़। मैंने जो कुछ भी पहले कहा उसके लिए सॉरी। ग्वेन की बिल्कुल भी दुकान चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो तो बहुत सुंदर है। तेरे से ज्यादा खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा सुंदर। और मैं उसको अपने सारे पैसे दूंगी। और मैं उसको क्या? मिलेगी मेरी जूती, समझी? ठीक है, जैसा तुम कहो दे दूंगी मैं। अरे यार, अब क्या हो गया है? मैं एक लूजर हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं एक्स के बारे में सोच रही हूँ, कास्टिंग से भाग गई, मैं लूजर हूँ। शायद तुमने सही किया, क्या पता वो शो वाला बंदा ज्यादा अजीब हो।
और अगर वो नहीं है तो चलो देखते हैं। आज आपके सामने मौजूद है मिस्टर टाइलर, जो कि काफी बड़े स्टार भी हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, हम खुद देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इस शो में अपने प्यार को पा लूंगा। तो फिर आप जैसे गधों को भी लगता है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा वाकई में? क्या वो टाइलर था? वही है। चैनल चेंज करो। तो हम आपके बारे में और भी जानना चाहेंगे। मेरी एक्स बहुत खराब थी, मैं कैसे समझाऊं आपको, मुझे खुद नहीं पता। वो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी गर्लफ्रेंड थी। क्या मैं उसकी जिंदगी की सबसे बुरी गर्लफ्रेंड थी? तुम्हारे बारे में नहीं था शायद। मैं नहीं तो फिर कौन? ब्रेकअप के बाद मैंने हर रोज उसका इंस्टाग्राम चेक किया है। हमारे ब्रेकअप के बाद कोई और लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आई। वेल, तो फिर शायद तुम्हारे बारे में ही था। इडियट, पागल इंसान। अरे वाह, यही तो है जो मुझे चाहिए था। हम कैसे बताऊं, तुमने अच्छा काम किया टायलर, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। शाबाश मेरे बच्चे। अब ऐसे मुंह क्यों लटका रखा तूने? क्यों भाई, तूने मुझे मेरी एक्स के बारे में इतना बुरा भला कहने को क्यों कहा? वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की थी। अबे अब जाने दे इस बात को, ऐसी लड़कियां तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अब लड़कियों का क्या, हमें तो अपनी टीवी की रेटिंग्स बढ़ानी होती है ना। ठीक है, लेकिन अब मैं झूठा हूँ। अबे यार ऐसे मुंह मत लटकाए कर, ऐसा तो होता ही रहता है। जैक, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तू पसंद आया? पसंद तो आई, मेरी रेटिंग इतनी बढ़ जो रही है, मजा आ गया यार। नहीं, खाना कैसा है? अच्छा, ये खाना तो बढ़िया, बस काली मिर्च का तड़का मार के लाया कर। वैसे तो मैंने खुद ने बनाया है ये सैंडविच और ये मिल्क शेक। अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो कमाल का है, ऐसा ब्रेड मैंने कभी भी नहीं खाया है। थैंक यू। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हाँ सब तैयार है। अच्छा तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हो गया, चलना चाहिए, दूसरी लड़की इंतजार कर रही है। मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या, ऐसे कैसे? मैं असली प्यार नहीं पा पाऊंगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अरे छोड़ो, स्ट्रेस नॉर्मल चीज है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं करती। अब मुझे बदलने की जरूरत है। मतलब बाल बदलना? मुझे खुद को अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बदलना पड़ेगा। लगता है हम इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करना। सुपर, अब दुनिया देखेगी टाइलर 2.0। मुझे उम्मीद है इस बार तो अच्छा होगा। हेलो। और फिर मैं बिल्कुल शॉक थी, मुझे लगा ये असली वाला क्रश वाला सीन होगा, लेकिन ये तो कबूतर वाला सीन था। हे, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? मैं एक फरिश्ता हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, फरिश्तों के कोई भी नाम नहीं होते हैं। तो फिर मुझे डायन बोलो। दर्द हो रहा है? नहीं, उस पागल ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि अभी भी दर्द हो रहा है। ठीक है फरिश्ते, अब खाना खा लो, तुम भी तो खाते हो ना। फरिश्तों को ब्रह्मांड, तारों, पानी और वायु से ऊर्जा मिलती है। क्या? इन लोगों ने मुझे किसी पागल के साथ छोड़ दिया था। अरे बाप रे, शुक्र है कि मैं इंसानों की तरह खाना खाती हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक बर्गर लाई हूँ, ये लो। ये खाना खराब है। नहीं, खराब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है और यम्मी भी। कोई उसे भला कैसे खा सकता है? उस लड़की को सुधारने के लिए सच में बहुत मेहनत लगेगी, उसी के बाद उसे मोक्ष मिलेगा। मुझे सब कुछ समझ आ गया है। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? सीधा ये मुझे भी दे सकते हो, बेवकूफ कहीं के। कोई भी इस कचरे को नहीं खाएगा, तुम खुद को जहर खिला रही हो। और ये मेरे लिए था सब कुछ। हे भगवान, तुम इसके लिए पछताओगे।
मैं नहीं छोडूंगी तुम्हें। जाने दो मुझे, इस कबूतर के तो आज सारे पंख फाड़ दूंगी मैं। उस दिन मैं तो बाल बाल बचा, मौत भी इतनी भयानक नहीं होती। अबे तो मुझे बताइए, ये सब बकवास सुनने आखिर पहन क्यों रखी है? कभी नहीं, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मैं हूँ। ये कितनी प्यारी फोटो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जैक इसे देखेगा और सोचेगा कि हम कितने अच्छे लगते हैं एक साथ। कैसे, मजा ही आ गया। हम तो मैं क्या बताऊँ, आज तो मजे का दिन है, हमें थोड़े मजे करने चाहिए। ये मैं बहुत खुश हूँ, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका तो टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें कुछ थोड़ा सा काम करना होगा, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, समझ गई। ओहो, कितनी बकवास फोटो किस बेवकूफ ने खींची है। बेकार, मुझे लगता है हम क्यूट लग रहे हैं। तुम्हें ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, जानती है मैं कौन हूँ? तुम सही कह रहे हो। सुनो, तुम तो सबसे कूल रोमांटिक शो के क्रिएटर हो, तुम दिल जोड़ते हो और बहुत कुछ। क्या तुमने अपने प्यार के लिए कुछ सोचा है? हा? अच्छा, ये तो काफी ही बढ़िया बात है। है ना? मे बी हम काम के बाद कैफे जा सकते हैं साथ में। ये तुम क्या बकवास कर रही हो केसी, हमारे पास और भी काम है, जाके काम करो, समझी? हाँ, मैंने सुना है। तुम किसी और को ढूंढ सकती हो डेट के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, तुम जाके काम करो। अच्छा रुको, इसे प्लीज कचरे में फेंक देना। ठीक है जैक, जैसे आप चाहो। ये किस बेवकूफ का आइडिया है, क्या किसी को पता नहीं है कि मैं डेट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ? तुम यहाँ पर? हेलो। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ डेट मिला है। हाँ, मैं टाइलर, और तुम मिया हो ना? तो चलो मुझे ले चलो कहीं। कहाँ? डेट पे, यहाँ बस हम बैठे तो नहीं रहेंगे ना? वैसे हम करेंगे, मैंने डेट के लिए सारी तैयारी कर ली है, ये देखो। अरे, मैं तो किसी फैंसी रेस्टोरेंट के लिए तैयार हुई थी, इस पार्टी के लिए नहीं। उसके वो कपड़े फैंसी ड्रेस के लिए थे क्या? और कितनी बेवकूफ है वो। कोई कमेंट नहीं, उसके जूते तो देखो। तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं टीनेजर हूँ तो बस स्कूल जाता हूँ। ठीक है, समझ गई। तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारी जरूरत है? कुछ नहीं। Be nice, Tyler. Be nice. अच्छे से बिहेव करो। हाँ, शांत रहो। चाय? सच में? चाय? मैं तो किसी महंगे डिनर और प्रीमियम ड्रिंक्स के साथ एक्सपेक्ट कर रही थी, और ये बंदा मुझे चाय ऑफर कर रहा। यही ठीक है, जब कुछ और नहीं है तो। तुमने सुना वो चाय कैसे पी रही थी? खैर, मैं उसे शर्मिंदा तो नहीं करना चाहता था, तो छोड़ो। सुअर की तरह क्यों पी रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तू भी ऐसे पी रही है, समझी? अरे वाह, इस लूजर को तो देखो, मुझे इंसल्ट कर रहा। मैं एक लेडी की तरह पीती हूँ, समझा? तू वहाँ पे क्या लिखती रहती है बार बार? हाँ, इस नोटबुक में मैंने अपने बॉयफ्रेंड के क्राइटेरिया को लिख रखा है। और कितने हैं? 10? नहीं, 102। क्या, उसके पास 102 क्रिटेरिया हैं? उसे कोई परफेक्ट लड़का कैसे मिलेगा? मजाक नहीं, अमीर होना चाहिए, 15 साल की उम्र में करोड़ों कमा चुका है ऐसा कोई, हैंडसम हो, लंबा हो और पढ़ा लिखा हो, और बिल्कुल भी घरों से ना हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे अभी खेत से आई हो। क्या, तुम एक क्वीन से बात कर रहे हो? और तो और,
तुम्हारे अंदर एक भी खूबी नहीं है जो मुझसे मैच करती हो। अरे वाह, यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल लड़की नहीं है। हेलो, अबे कौन बोल रहा है? मिया बोल रही हूँ। तुमने मुझे किसके साथ भेजा था? वो बेकार आदमी। मिया? वो टाइलर की तीसरी डेट थी। मिया, अच्छा तुम हो लाइन पे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये पूरी तरह से बेकार है। मुझे ऐसे लड़के की तलाश है जो मेरी क्राइटेरिया पूरी करता हो। इसीलिए तो तुम्हें लिस्ट दिया था। अबे सुन मिया, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कि हम कर सकते हैं। तुम्हारा शो भी तुम्हारी तरह बकवास है। क्या मेरे लिए काम करना इतना मुश्किल है कि एक अच्छी खूबी वाला लड़का भी तुम ढूंढ नहीं पाए? तो बुरी खूबी वाला कौन होता है? ऐसे भी होते हैं क्या? मैं तुम पर केस कर दूंगी। इस पागल से तुम निपटो। मैं सुन रही हूँ, मैं तुम्हारा ये बकवास शो बंद करवा कर रहूंगी। मिया, हम तुम्हारी बात समझ गए और हम कोशिश करेंगे ऐसा लड़का ढूंढने में। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, पर इस बार अगर कोई भी गलती निकली तो ना। नहीं होगा, हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढेंगे और तुम्हें डेट पे बुलाएंगे। तुम्हारे पास 2 दिन है, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी। तुमने ठिकाने लगा दिया ना? हाँ। बेवकूफ लोग। कंप्यूटर के सामने 24 घंटे बैठने से तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा होगा। ऐसे ही करते रहो, कैसी मजा ही आ गया। और तुम ये टिंडर पे क्यों हो? नए शो के पार्टिसिपेंट्स ढूंढ रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं तो बस मैं खुद के लिए ढूंढ रहा था। अब मुझे भी तो कोई लड़की पटाने का हक तो होना ही चाहिए ना। और मैं तो लड़कियों की सेना खड़ी करने की सोच रहा हूँ, मजा आएगा। हाँ बहुत अच्छा। लगता है डॉक्टर को बुलाना ही होगा। मैं मस्त महसूस कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। फिर से इसके पीछे टाइलर ही है। उस बेवकूफ का नाम मत लो मेरे सामने। मुझे अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढना है। अब नहीं लूंगी उसका नाम। जो लड़का पहले टिंडर पे मिलेगा उसके साथ डेट पर जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये बात तुम्हें कब से बोल रही हूँ। कोई और ऑप्शंस? वाओ, क्या मेरा तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? ओह, ये देखो कैसा है। क्यूट है। तुम श्योर हो इस डेट पे जाने के लिए? क्या इतनी जल्दी जाना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल श्योर हूँ, इसे टेक्स्ट करती हूँ। और अगर वो कोई पागल निकला तो? टीना टेंशन मत लो, सब ठीक है। रिप्लाई किया उसने। देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कई दिनों से ना आया ही नहीं हूँ, ये पता नहीं चलना चाहिए। रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? I'm sorry, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। तुम लोग यहाँ कोई काम के नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब आखिर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था मेरे आइडियल पार्टनर से मिलाओगे, लेकिन दोबारा एक इडियट मिला है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन सब से। क्या सच में? हाँ, मैंने उसे एक हमारे सिस्टम के लड़के के साथ डेट पे भेजा था। ये मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। मैं पुलिस बुलाऊंगी यहाँ, और टैक्स ऑफिसर को या फिर सरकार को भी। अरे ठंड खा, इसे दफा करो। हाँ ठीक है, तुम कहाँ चले? मैं तो लड़की पटाने जा रहा था, आज लड़की पड़ जाएगी। एक डेट? हे, तुम रो क्यों रही हो? हम परफेक्ट मैच ढूंढ लेंगे। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, हमने बहुतों को खुश किया है। मैं तो शिकार हूँ यहाँ। शिकार हो? मुझ पे काला जादू हुआ है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, इसलिए तो कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। देखो, मैं परफेक्ट हूँ ना? हाँ। लड़कियाँ मुझे देखकर जलती हैं, उन्होंने ही मुझ पे काला जादू किया है। ठीक है चलो, श्राप तोड़ने के लिए। नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए वरना पूरी जिंदगी हाथ से काम चलाना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं हुआ आखिर क्या है। हाय, जैक हो ना? हाँ, और तुम एरियल हो? हाँ।
ये तुम्हारे लिए है। ओह थैंक यू सो मच। ये फूल तो अच्छे हैं मगर तुम इससे भी खूबसूरत हो। शुक्रिया। आओ प्लीज बैठो ना। वाओ कॉकटेल। हाँ ये मेरी फेवरेट है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूँ। बहुत टेस्टी है। शुरू में तो मुझे लगा था कि तुम शायद यहाँ पर आने ही नहीं वाली हो। मैं भी एक साल हो गया जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया, उसके बाद डेट नहीं किया किसी से। हाँ वैसे मेरी भी यही कहानी है। ओह वाओ ये इंटरेस्टिंग है। आई होप ये मैच मेकिंग वाला तुम्हारा नहीं है। पहले मुझे बहुत पसंद था अब गुस्सा आता है। उसमें कोई प्रॉब्लम है? बात यह है कि मेरा एक्स भी। एरियल तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ अबे साले धोखेबाज, पहले तू बता कि तू हमारे शो को छोड़ के क्यों गया था? जब तू मेरी एक्स के साथ वक्त बिता रहा है तब। हाँ क्या कहा, ये तुम्हारा एक्स रह चुका है? तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे। नहीं तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर आखिरी मौके में एक अच्छी लड़की ढूंढने का चांस मत छोड़ना बिल्कुल भी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे इनकी तो अच्छा हुआ कि पहले ही पता चल गया, पता नहीं बाद में क्या होता। सारे शोज बेकार होते हैं। दोस्तों आज हमें भड़काने वाली न्यूज मिली, हमें टाइलर की एक्स मिल चुकी है। फिर से क्रीपी शो। दोस्तों अगर मैं सच बात कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये सब आगे कैसे शुरू हुआ था, लेकिन ये कहानी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप हमारे शो पर बने रहिए। हाँ बिल्कुल, इस टाइलर की बेवकूफी से मैं शॉक हूँ। उम्मीद है इसको भी कोई बेवकूफी मिले। चल बेटा टाइलर, ये तेरा आखिरी मौका है। हेलो। हाय टीना। अरे ये क्या है, इसको वो कैसे मिल गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ डेट पर आई हूँ। पर तू तो एरियल की दोस्त है ना, और लड़कियों का एक रूल होता है कि एक दूसरे के एक्स के साथ डेट पर नहीं जाना। ओह प्लीज रहने दो, वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। पागल चूहिया तू बहुत पछताएगी। मुझ पर क्रश था टीना, मुझे ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ओ क्या अजीब हो सकता है? मेरी वजह से तुम दोनों दुश्मन बन सकती हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या एरियल हमेशा खुश रहती थी? हाँ लेकिन जब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था वो हर वक्त तुम्हें याद करके रोती रहती थी। कितना बेकार है। मुझे वापस चाहती थी? चुड़ैल गद्दार तूने अच्छा नहीं किया। पागल कहीं की तूने मेरे साथ धोखा किया। मुझे ये बताया कि टाइलर बेवकूफ है, मुझे उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उसे तुमसे प्यार नहीं है या शायद वो तुम्हें भूल गया है। मैं भूला नहीं हूँ। क्या? मैं हमेशा याद करता हूँ कि जब हम मिले थे तब के दिन कितने अच्छे थे। मैं भी। वेट लेकिन तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? तुमने ये बेकार शो क्यों ज्वाइन किया? मैं डर गया था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तो मैंने सोचा एक नई लड़की ढूंढ लूं, पर कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। और तुम भी, हम एक परफेक्ट कपल हैं। क्या बकवास है पागल लोग। हाँ उसके सिर पर क्राउन था लेकिन ये सिंगल वाला नहीं था, घमंड का क्राउन था। हमारा शो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हाँ वो तो सही कहा, मगर मुझे खुशी ही नहीं हो रही है। हे तुम इतनी उदास क्यों हो? अब क्या बताऊँ तुम्हें, जाने दो यार। उदास क्यों हो, सीजन खत्म हो गई। टाइलर और एरियल की लास्ट एपिसोड ने तो धमाल मचा दिया। बढ़िया है बढ़िया। तो फिर बात क्या है, क्या तुम्हें और चाहिए? नहीं बस बहुत हुआ, अब नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, तुमने शो को ट्रेंडी बनाने के लिए बहुत मेहनत की मगर अब तुम खुश ही नहीं हो? लगता है कि ये शो कभी भी मुझे खुश नहीं कर पाएगा। एरियल ने टेलर को चुन लिया इसलिए तुम उदास हो? मगर ये तुम्हें किस पता? वो तुम्हारे साथ डेट पर गई थी ना? अरे नहीं केसी, तुम ना बहुत ही भोली भाली हो। तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं असल में क्या फील करता हूँ। शो के मकसद वो नहीं थे, दरअसल मैं खुद था। हाँ वो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। हाँ जो भी तुम कहो वो सही है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शुक्रिया केसी, मगर मुझे माफ करना, तुम मेरे टाइप की नहीं हो यार। सच में? मैंने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। केसी बिल्कुल तुम हो। कुछ नहीं, मैंने इतने हिंट दिए तुम्हें,
मैंने हमेशा तुम्हें देखा, संभाला, सपोर्ट किया और तूने क्या किया? क्या किसी, मगर मैं कुछ नहीं समझा। हाँ, समझ नहीं आया। सबसे बड़ा बेवकूफ ही नोटिस नहीं कर सकता, जैसे कि तुम। मगर आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो? मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं फ्रेंड जोन में रहकर थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। हम केसी, मुझे बस एक और मौका चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? बेशक फर्क पड़ता है, मैं जिसे हर जगह ढूंढ रहा था वो तो मेरे सबसे करीब है और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा सुनो, मुझे एक और बात जाननी है, क्या तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मुझे पता भी नहीं था। असल में मुझे भी ऐसा ही लगा था। तुम ये जॉब तो नहीं छोड़ोगे? हाँ बिल्कुल। क्या हाल है आप सबका? हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा वो कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे पूरे 5 सेकंड तक बैठे रहेंगे। हाँ, 5 सेकंड तक। असल में मैं तो काफी थक चुका हूँ, इसलिए 3, 2, 1। क्या कर दिया? क्या बोल रहा है? उसने पक्का सब्सक्राइब किया है, मैं देख सकता हूँ। देख, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? बहुत बढ़िया, उन्होंने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि कौन किसको डेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, तो हम सब ने तो हम सब ने डिसाइड किया है कि हम आपको एक गेम फॉर्मेट देंगे जिससे पता चलेगा कि कौन किसको डेट कर रहा है। अब ऐसे तो तेरा ही पता चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, तुम सभी बताना चाहते हो कि तुम्हारे डेट्स में आखिर कौन कौन है, तो ये लीजिए, लेकिन हमें कहीं पता ना चल जाए कि आप किसको डेट कर रहे हैं। वो कहना है कि हमारा दिमाग काफी ज्यादा चलता है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर सामने चल क्या रहा है। तो हम ये कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पीने नहीं वाले हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस गेम को खेलने के लिए और इससे अंदाजा लगाया जाएगा तुम में से डेट कौन किसको करेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं अगर चीजें गलत भी हो तो, क्योंकि आखिर है तो ये गेम ही और गेम के रूल्स ऐसे हैं कि वो असली दुनिया में मायने नहीं रखते हैं, तो ये बस एक खेल होगा जिसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा तो जिन लोगों की बत्ती से नजर आई है हम उन्हीं को लपेटे में लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कि उन्हीं को पहले रखा जाए ताकि उनकी डेट के बारे में हमें अंदाजा लग सके। और वैसे भी ऐसे तो गेम इंटरेस्टिंग बनता है। बॉटल हमारे फेट को डिसाइड करेंगे। हो तो एक बॉटल तुम्हारा फेट डिसाइड करेगी। ठीक है चले शुरू करते हैं। तो ले जैक, शुरू तो मुझे ही करना चाहिए। आपका डेट होना चाहिए, है ना? क्या किससे मिलने वाले हैं? अगर आप राजी हैं तो मतलब अभी आप पता चले और क्या होना चलेगा। मैं तुम्हें डेट जरूर करना चाहूंगा, तुम मजेदार हो लगता तो है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे पर काफी पहले से लाइन मार रहा था। काफी पहले से लाइन मार रहा था, मगर देखा ही नहीं। अब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। अरे मेरी जान, आओ मेरी बाहों में बैठो, तुम्हें अंदर की सैर कराऊंगा। दोस्त असली किस्त नहीं कर सकते हैं तो हम नकली किस्से ही काम चलाने वाले हैं। वैसे चुम्मा चाटी तो हम बाद में कर सकते हैं, फिलहाल शो का वक्त है तो हम इस पे ये सब तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हैं। वैसे तो पहले उसी की बात करते हैं तो वो सही रहेगा ना? कहाँ सही का, वही है, मुझे भी लग रहा था। अरे तुम सही कर रही हो मेरी जान, देखा मैं उसके बारे में कितना जानती हूं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम तो हमेशा सही कहती रहती हो। ये सही सही कह के मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना? ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? वो मुझे अपना कुत्ता काफी ज्यादा पसंद है, मैं उसके संग मगर डेट नहीं कर सकता। सब करना जरूर चाहूंगा लेकिन तुम भी काफी बढ़िया हो। तुम चल के अच्छा लगा। देखी तो तू कमाल की है। भले ही असली कपल नहीं है लेकिन हम खेल के लिए तो कपल बन ही गए हैं ना। चलो आ जाओ मेरी जान, चलो कोचे में ले चलता हूं। परफेक्ट मैच है कि नहीं? हां वैसे कोचे की बात करूं तो मुझे कोचे काफी पसंद है, मैं तो शुरू से ही कोचे में रहा हूं। आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अरे पढ़ाई करो यार। और वीडियो को पसंद करते हो तो हमें बताओ, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा तेरा नंबर नहीं आया पर लगता है कि बॉटल यहाँ पॉइंट कर रही है। वो तो पहले भी कहीं और कर रही थी ना। टायलर, तुम कैसे हो? हम जनरल में कैसे कपल हैं? अरे यार स्पेसिफिक को पी जाओ यार, देख क्यों रहे हो इतनी देर से? आ जाओ तो ठीक है। तो अब हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो अब आप बताओगे कि हम कैसे सिमिलर हैं? कैमरा भाई थोड़ा दूर हो जा। शायद इसलिए कि स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा गया है। ये सब स्क्रिप्ट की वजह से नहीं है क्या? ये हमारे बीच की रुक जाओ मैं आपको एक
राज की बात बताने जा रहे हैं। और वो राज क्या, मुझे ही पता है ना। काम के लिए। मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने का फैसला किया था। और तो तुम कंफ्यूज करना चाहती थी, मुझे तो नहीं लगता। वेल, मुझे रैप पसंद है। और तुम टाइलर? मैं शेक्सपियर सुन रहा हूँ। परफेक्ट टेस्ट मैच हो गया है तो। ऐसे कपल्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमें लिखिए। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्लासिक और रैप। तो कमेंट में हमें लिखिए कि आपको क्या लग रहा है, हम डेट कर रहे हैं या नहीं। हमारा तीसरा कपल है सिंडी और केसी। अब ये मत बोलना तुम आपस में कपल हो। हम लड़कियां हैं। बस इतना ही काफी है। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, हम अच्छे हैं और मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसकी माँ का ये नहीं सोचा था। हम ही करते ना। और हम बाद में बात करेंगे। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरी नीली आंखों को, मुझे काफी शर्म आ सकती है तो। ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है मैंने दोस्तों। अब क्या बताऊं, ये गाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैं तो बचपन से सुनता था। आप सुनते थे कि नहीं मुझे बताइए, प्लीज कमेंट में बताना ये। अगर आप लोगों को एक कपल पसंद आया तो कोई और मिल गया। मुझे लगा कोई और मिल गया ऐसे। नहीं दोस्तों, मैं सीरियस हूं, मैं सही कह रहा हूं। ये कैसे हुआ, मैं तो उसका इंस्टाग्राम रोज चेक करती हूँ ऐसा। मंग मंग मंग, ये तुम कर क्या रही हो। हाँ मैं श्योर हूँ, टेक्स्ट करती हूँ। अगर वो कोई पागल निकला तो? अरे टीना टेंशन मत लो, सब ठीक है। हाँ, सही कहा, सब कुछ ठीक तो है। जब तो मेरी एक्स के साथ घूम रहा है। ये बहुत टेस्टी है दोस्तों ब्रेड।